नमस्ते दोस्तों, सो आज की इस वीडियो में मैं एक समर प्रूफ विदाउट फाउंडेशन मेकअप लुक करने जा रही हूँ। तो इस लुक के लिए सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है एक क्लीन फेस से और आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। समर्स में भी मॉइस्चराइज़र उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि विंटर्स में। सो यहाँ मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया है अपना फेस और अब आते हैं लिप्स पे। मेरे जो लिप्स हैं वो बहुत ड्राई रहते हैं इवन समर्स में, तो मेरे लिए लिप बाम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लिप बाम लगा रही हूँ नेचर्स को चेरी लिप बाम। अपने पूरे लिप्स पे एक अच्छी सी थिक लेयर लगा लूँगी सबसे पहले, और फिर मैं लगाऊँगी एक सनब्लॉक। जो मैं सनब्लॉक लगा रही हूँ वो है न्यूट्रोजीना अल्ट्रा शेयर सन ड्राई टच सनब्लॉक। सो इसको अच्छे से अपने फेस पे लगाऊँगी और अच्छे से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने दूँगी। ये बहुत ही अच्छा सनब्लॉक है और इसे अपने नेक पे भी लेके जाऊँगी मैं। सो अब मुझे कवर करने हैं अपने डार्क सर्कल्स और अराउंड माय माउथ एरिया, और मैंने इस पे फुल डिटेल वीडियो की है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। और मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी कंसीलर 30 कैफे कैफे में मेबेलिन का जो है ये, और मैं अपने एक पिंपल पे भी लगा रही हूँ टू हाइड दैट पिंपल, और डार्क सर्कल पे भी लगा रही हूँ। बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज़ करूँगी बिकॉज समर्स में मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत फील नहीं होती, लाइक आई डोंट वॉन्ट लॉट ऑफ प्रोडक्ट ऑन माई फेस, इसलिए मैं बहुत हल्के हाथ से प्रोडक्ट लगा रही हूँ। और फिर एक फ्लफ़ी कंसीलर ब्रश की मदद से मैं जो कंसीलर लगाया है मैंने उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि डार्क सर्कल्स कैसे कंसील करते हैं तो मैं नीचे वीडियो लिंक कर दूंगी, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि क्या लॉजिक है डार्क कंसीलर यूज़ करने का, तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं। अब कलर करेक्शन के बाद मैं एक और कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये जो कंसीलर है ये मेरी एक्चुअल स्किन टोन से मैच करता है। जो पिछला कंसीलर था वो थोड़ा डार्क था और ये है जो कि एक्चुअल मेरी स्किन टोन से मैच करता है, और मैं वही उन्हीं जगह पे लगाऊंगी जहाँ पे मैंने पिछला कंसीलर लगाया था, ताकि एक अनइवननेस जो लग रही है मेरे चेहरे पर वो ख़त्म हो जाए। और मैं सेम फ्लफ़ी कंसीलर ब्रश की मदद से इसे बफ करूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं कंसीलर लगाने के बाद भी बहुत डिस्कलरेशन सी लग रही है, तो उसके लिए मैं एक क्लीन फाउंडेशन ब्रश लूँगी और जो भी एजेस हैं कंसीलर की मैं उसे बफ़ करूँगी अच्छे से, ताकि वो मेरे स्किन टोन के साथ एकदम मर्ज हो जाए। आप देख सकते हैं कैसे एकदम से मेरी स्किन जो है इवन दिखने शुरू हो गई है इस बफिंग के साथ। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक कम्पैक्ट पाउडर, मैं यूज़ कर रही हूँ मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर फाउंडेशन, और ये जो है थोड़ा सा लाइट कलर है मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको ब्रश में लेके और ब्रश को ऐसे स्क्वीज़ करके अपने अंडर आइज़ पे लगाऊंगी और अच्छे से अपना कंसीलर जो है सेट करूंगी, बिकॉज गर्मियों में कंसीलर क्रीज हो जाता है, स्पेशली मेरे तो हो ही जाता है। सो मैं इसे अच्छे से पाउडर से सेट करूंगी, और जहाँ जहाँ भी मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ पर मैं पाउडर की मदद से इसे सेट करूँगी। आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बनाना पाउडर पाउडर या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर। सो आप देख सकते हैं डिफरेंस मेरी दोनों साइड पे, एक तरफ बहुत इवन लुक आ गई है, दूसरी तरफ उतना इवन नहीं है। एक पाउडर भी बहुत आपके चेहरे पे डिफरेंस ला सकता है, बस आपने ध्यान रखना है कि उसे यूज़ कैसे करना है। और मेरा बेस मेकअप कंप्लीट है। जी हाँ, सिर्फ थोड़े से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मैंने, और अब चलते हैं आईब्रोज़ पे। और आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन आई शैडो, और इसकी मदद से मैं अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी, जितने भी स्पार्स स्पेसेस हैं उसे अच्छी तरह से फिल करूँगी एक थिक आईब्रोज़ की लुक पाने के लिए। सो आईब्रोज हो चुकी हैं, अब चलते हैं ब्लश पे। ब्लश पे मैं यूज़ कर रही हूँ आई विल ऑलवेज लव यू फ्रॉम टू फेस्ड। ये एक पीच कलर का ब्लश है। मैं समर्स में पीच ब्लशेस ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू पिंक, बिकॉज ये बहुत सन किस्ड लुक देता है और एक बहुत प्रिटी पीची लुक आती है, एक चिजल्ड लुक आती है फेस से। दैट्स वाई आई प्रेफर टू यूज़ पीच ब्लशेज एज़ कम्पेयर टू पिंक ब्लशेज। सो अच्छे से अपने चीक बोन्स पे ब्लेंड करूँगी और इसको थोड़ा सा पीछे को भी ब्लेंड करूँगी जहाँ पे मेरे हेयर लाइन स्टार्ट हो रही है।
और अब बारी है आई लैश कर्लिंग की। सो मैं अच्छे से अपने आई लैशेज कर्ल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कर्ल्ड आई लैशेज कितना अपलिफ्टेड लुक देती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट लैशेज। सो मेरा इस पर भी बहुत डिटेल में एक वीडियो है, तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। और जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लैशेज पुशअप मस्कारा। ये एक वाटर प्रूफ मस्कारा है बाय मैट लुक, और इसे अच्छे से अपने आई लैशेज पर लगा रही हूँ और साथ ही साथ अपने लोअर लैशेज पे भी इसके अच्छे कोट्स में दे रही हूँ। और चलिए अब बारी आती है लिप्स की। तो जो मैंने लिप बाम लगाया था, जो एक्सेस लिप बाम है, वो एक टिश्यू की मदद से मैं हटा दूंगी। और जो लिप कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है स्वेड लिप कलर 01 मसलिन मोव। बहुत ही प्रिटी न्यूड कलर है और ये एक मैट लिप कलर है, बट ये ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेता है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर मैट लिप कलर्स ये बहुत हाइड्रेटिंग है और बहुत कंफर्टेबल है लिप्स पे। और समर्स में आपके लिप्स ड्राई नहीं करेगा, दैट्स व्हाई आई चोज फॉर दिस लिप कलर। और देखिए इतना प्रिटी शेड है ये, बहुत न्यूड एंड वेरी प्रिटी शेड। बाकी हाइलाइटर आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहते हैं तो आई डोंट प्रेफर, बट यहाँ पे मैं एक डेमो कर रही हूँ। मैं ग्लो एलिमिनेटर लगा रही हूँ बाय मना कदार एंड इट्स लाइक अ क्रीम हाइलाइटर। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत हल्के हाथ से यूज़ कर रही हूँ अपने चीक बोन्स पे और ये मेरा लुक कंप्लीट है। So this was my no foundation makeup look for summers. It's sweat proof and it's very easy to do, और इसे ज़्यादा करने में टाइम नहीं लगता, फटाफट से हो जाता है। और मैं नॉर्मली आजकल जब भी बाहर जाती हूँ मैं ये मेकअप लुक ही करती हूँ। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए ग्रो करने में, और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। Till then, stay beautiful, stay healthy, take care, bye-bye.